हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से होंगे। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं और आपको दिखाते हैं शेरगढ़ किला का सुरंग नंबर, ये तीसरा है जिसमें हम लोग अंदर प्रवेश करने वाले हैं। तो चलिए अंदर प्रवेश करते हैं और आपको भी दिखाते हैं इसके अंदर क्या है। बाकी सब जो मैंने दिखाया उससे इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग बनाया गया है। हमें यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे मीटिंग होती थी जिसके लिए ये बनाया गया है, क्योंकि ये जो चारों तरफ से दिख रहा है पूरा चबूतरा टाइप का बनाया गया है और ये बीच में यहाँ पे गड्ढा है। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ मीटिंग वीटिंग का जो भी काम होता था यहीं पर होता था, क्योंकि उसी तरीके का ये बनाया गया है, उसी ढंग का बनाया गया है। और ये पूरी जो भी बनाया गया है बिल्डिंग, ये पूरा पहाड़ के नीचे बनाया गया है, पहाड़ के अंदर बनाया गया है। और पहले के जो कारीगर थे, मैं उनकी तारीफ करता हूँ कि उन्होंने जो भी बनाया अच्छे से बनाया है और अच्छे तरीके से बनाया है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे कहीं कहीं ये खिड़की टाइप का छोड़ा गया है जहाँ से रोशनी आ रही है, तो ये छोड़ा गया इसलिए ताकि यहाँ पे रोशनी आए और यहाँ पे जो हवा का आवागमन है वो क्लियर हो सके, यहाँ पर दम ना घुट सके, इसीलिए इसको बनाया गया है। ये जो किला है, ये जो सुरंग है, जो भी बनाया गया है पहाड़ के सीधा अंदर बनाया गया है ताकि यहाँ पे किसी भी तरह का मारकाट या फिर हमले से बचा जा सके। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये पूरे चारों तरफ से चबूतरा बना हुआ है। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि चारों तरफ दिखाएं अच्छे तरीके से दर्शकों लोग को। मैं दर्शक से ये अपील करूँगा, बार बार अपील करूँगा, सब्सक्राइबर से मैं बार बार अपील करता हूँ कि यहाँ पे नहीं आएँ, क्योंकि यहाँ आना खतरा से खाली नहीं है। आप जो भी देखना चाहते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको हर एक चीज़ दिखा दें। तो जैसा कि देख सकते हैं, पूरा चबूतरा नुमा बना हुआ है चारों तरफ से और बीच में ये गड्ढा बना हुआ। हमें लगता है कि यहाँ पर मीटिंग होती थी, उसी के लिए बनाया गया है। राजा का जो भी फरमान होता था यहीं से वो राजा शायद सुनाते होंगे। आगे दिखाइए, इधर भी दिखाइए, चारों तरफ। आप ये जो भी पिलर देख रहे हैं ये पूरा पत्थर से बनाया गया है, एक बहुत बड़ा बड़ा पत्थर को ज्वाइंट कर करके इसको बनाया गया है। और ये जो दीवार दिख रहे हैं ये पूरा पत्थर को काट करके बनाया गया है, ऐसा नहीं है कि पत्थर को जोड़ा गया है, ये पूरा पत्थर ही है जिसके अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है और पूरा पत्थर को काट करके बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि पत्थर को एक एक करके जोड़ा गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरा स्ट्रक्चर है जो पहाड़ के अंदर बनाया गया है और एक ही पत्थर को काट करके अंदर में बनाया गया है। ये जो पिलर देख रहे हैं इसको ऐड कर करके छोटा छोटा पत्थर को जोड़ करके इसको खड़ा किया गया है। और ये बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुंच गया है आज के डेट में। ऊपर से देख रहे हैं कि ये गिरने के कगार पर आ गया है, गिर रहा है सब चीज़। मैं कैमरामैन को बोलूँगा एक बार नीचे आकर के दिखाएं दर्शकों को, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको दिखाएं, नीचे आएं एक बार और दिखाएं। ये देख सकते हैं ये चारों तरफ चबूतरा बनाया गया, खिड़की है, ये चबूतरा नुमा बनाया गया है और बीच में ये खाली स्थान है जिसमें कि हमें लगता है कि राजा इसी में मीटिंग वीटिंग जो भी होता है इसी में करते होंगे। और इसका जो स्ट्रक्चर है गुंबद नुमा बनाया गया है। मैं कैमरामैन को बोलूँगा ऊपर दिखाएं, ऊपर का स्ट्रक्चर दिखाएं। ये गुंबद नुमा बनाया गया है और अच्छी खासी निकाल वहाँ पर नक्काशी की गई है जो कि अभी गिरने के कगार पे आ गया है। तो चलिए चलते हैं किले के दूसरी ओर और दिखाते हैं उधर का नज़ारा कैसा है और उधर में क्या क्या बना हुआ है। तो आइए मेरे साथ। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे भी एक ढांचा बनाया गया है रहने के लिए और साइड साइड में पूरा बनाया गया है ठहरने के लिए व्यवस्था की गई है। तो चलिए इसके नीचे चलते हैं और दिखाते हैं आपको भी इसके नीचे क्या है।
तो मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि मेरे साथ आएँ और चलें इसके नीचे यहाँ दिखाएँ। इसका जो जाने का रास्ता है इसके अंदर, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है इसके जाने का रास्ता। चलिए फिर अंदर आते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग पहुँच गए हैं किले के दूसरी ओर। तो मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि दिखाएं चारों तरफ से कि ये कैसे बना हुआ है और कैसा देखने में लगता है, चारों तरफ घुमा के दिखाएं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे सिपाही लोग रहते थे और जब उन लोगों को आराम करने का होता था तो यहाँ पे रूम बना हुआ है दोनों साइड में। एक इस साइड में बना हुआ है, एक उस साइड में, कैमरामैन को बोलूँगा उधर दिखाएं, एक उस साइड में भी रूम बना हुआ है जहाँ पर ये लोग विश्राम उश्राम करते थे। तो हमारे जो पीछे जो ये दरवाज़ा दिख रहा है, ये किले का बैक डोर था, एक तरह से पिछला दरवाज़ा था, जिससे कि अगर कुछ होता है, अनहोनी होता है, तो इससे निकल करके पीछे से जाया जा सके, इसलिए राजा ने इसको बनवाया था। और ये जो पूरा जो चारों तरफ से आंगन दिख रहा है, ये पिछले दरवाजे को रखवाली करने के लिए यहाँ पे सिपाही रहते थे, हमेशा तैनात रहते थे, जो कि पिछले दरवाजे को हमेशा अच्छी तरीके से देख रेख करते थे ताकि पीछे से कोई आ ना सके, पीछे से कुछ हो ना सके। यहाँ पे भी एक सीढ़ी बना हुआ है, हमें लगता है यहाँ से सिपाही ऊंची जगह पर चढ़ करके चारों तरफ का निगरानी करते होंगे। पीछे का जो बैक दरवाज़ा है, बैक डोर जिसको बोल सकते हैं, वो ऊंचाई से देखने के लिए यहाँ पे एक बनाया गया है ऊंचा चबूतरा टाइप का, जिसपे सिपाही लोग हमेशा यहाँ पे तैनात रहते थे और चारों तरफ से निगरानी रखते थे कि कहीं तो कुछ, या पीछे से या फिर कहीं से भी कोई आ तो नहीं रहा है, ये चीज़ का ध्यान रखा जाता था हमेशा। और पीछे में देख सकते हैं, ये दुर्गावती नदी है जो महल के ठीक सटी हुई निकलती है। तो जैसा कि आप लोग, मैंने वीडियो में बताया, राजा का आपको महल दिखा दिया, राजा का रहने का जहाँ का बेडरूम था वो दिखा दिया आपको, सुरंग दिखा दिया मैंने, अब मैं दिखाने जा रहा हूँ राजा का वॉशरूम कैसा है। राजा दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने जो दिखाया आपको, राजा का महल दिखा दिया, जो सुरंग बनी हुई थी वो सब आपको मैंने दिखा दिया। अभी मैं जो दिखाने जा रहा हूँ वो है रानी का पोखर। ये जो है आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये रानी का पोखर है और एक साइड राजा का पोखर है। यहीं पर दोनों लोग स्नान किया करते थे, यहाँ पर आकर राजा स्नान करते थे, यहाँ पर आकर फिर रानी। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में करके बताएँ कि आपको वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा और मैंने जो भी दिखाया आपको ये कैसा लगा। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।